हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर चैनल आयशा कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इफ और उसके क्लॉजेस। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर देखने में आता है कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं कि हाउ टू यूज इफ एंड उसके क्लॉजेस। ओके, तो फ्रेंड्स पहला क्लॉज जो होता है उसे हम ओपन क्लॉज भी कह सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर इस टाइप में है, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस और उसका जो कंडीशन फॉर्म हो गया फ्यूचर टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट कम्स टू सेक्रीफाइस इट विल बी डन, इफ इट कम्स टू सेक्रीफाइस इट विल बी डन। ओके, तो ये हो गया हमारा ओपन क्लॉज, जिसमें हम इफ और प्लस प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हुए हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, जो सेकेंड क्लॉज है इफ का, वो है हाइपोथेटिकल अनरियल, मतलब हाइपोथेटिकल मीन्स जो रियल नहीं है। ओके, तो उसका जो स्ट्रक्चर है इस टाइप में, इफ क्लॉज में आएगा इफ प्लस पास्ट टेंस। ओके, उससे कंडीशन होगा वुड प्लस इन्फिनिटिव, वुड प्लस इन्फिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वन अ लॉटरी आई वुड हेल्प द पुअर। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूं, मुझे लॉटरी मिलेगी तो मैं गरीबों की मदद करूंगा, मुझे लॉटरी मिली नहीं है अभी, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, उसके चांसेस बहुत कम है। ओके, तो उसे हम कहेंगे कि हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन। तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप, इफ के साथ आएगा पास्ट टेंस, इफ आई वन अ लॉटरी, और कंडीशन में क्या आएगा, कंडीशन में आएगा वुड, वुड लगाना जरूरी है यहाँ पे, और इन्फिनिटिव आएगा आई वुड हेल्प द पुअर। फ्रेंड्स, जो इफ क्लॉज के थर्ड कंडीशन है वो है अनफुलफिल्ड और पास्ट कंडीशन। उसमें क्या होता है, हम लोग बात करते हैं जो चीज गुजर चुकी है, मतलब वो पास्ट में चले गई, हम उसे हम मॉडिफाई को चेंजेस नहीं कर सकते हो क्योंकि वो पास्ट में चले गई है। तो फॉर एग्जाम्पल, उसका ऐसा एग्जाम्पल है, आप यूज कर सकते हैं इफ प्लस हैड, आपका हैड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इफ प्लस हैड और पास्ट पार्टिसिपल। तो उससे कंडीशनल फॉर्म क्या आएगा, कंडीशनल फॉर्म आएगा उसका आपका वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, आपको यहाँ पे वुड हैव का इस्तेमाल करना होगा और साथ में पास्ट पार्टिसिपल आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट कॉम्पिटिशन सो आई वुड हैव वन दैट कॉम्पिटिशन। इफ आई हैड पार्टिसिपेटेड, अगर मैं पार्टिसिपेट किया होता तो मैं जीत गया होता। इफ आई हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट कॉम्पिटिशन I would have won that competition. तो आप देख सकते हैं कि unfulfilled और past conditional मतलब क्या, जो बिक चुका है हम लोग उसमें अब कुछ कर सकते नहीं, लेकिन बता रहे कि अगर मैं किया होता तो ऐसा होता। तो उसमें स्ट्रक्चर ऐसा है, if plus had plus past participle, उसका conditional form आएगा, आपको would have लगाना होगा, ये मत भूलिए आप, would have लगाना होगा आपको plus past participle. Okay? तो ये तीन clauses देखा हमने, पहला था हमारा open clause, उसे हम first conditional clause भी कहते हैं, ओपन कंडीशनल या ये फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड वन इज हाइपोथेटिकल और अनरियल, थर्ड वन इज अनफुलफिल और पास्ट कंडीशनल। तो ये इसके थ्री क्लॉजेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना है और अगर आप चाहते हो कि आपका जो पास्ट टेंस ही बोलना है आपको, ओके, कि ऐसा किया होता तो क्या क्या होता, तो एट द टाइम यू कैन यूज दिस फॉर्म ऑफ इफ क्लॉजेस। सो आई होप फ्रेंड्स लाइक दिस वीडियो एंड गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल आयशा कोचिंग क्लासेस ऑन यूट्यूब एंड गाइज विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।